नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। विरोध के चक्कर में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कभी उनकी भी विचारधारा हुआ करती थी। विरोधी अपनी विचारधारा को लेकर सारी हदें पार कर देते हैं और ऐसा ही कुछ माहौल अब राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। लोकेश शर्मा ने अपने आका के खिलाफ ट्वीट ठोक दिया है। इस ट्वीट से साफ जाहिर हो रहा है कि वो टिकट नहीं दिए जाने की नाराजगी दिखा रहे हैं और 25 सितंबर का भी इस ट्वीट में बखूबी जिक्र किया गया है। शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और जनादेश शिरोधार्य है। विनम्रता से स्वीकार है, मैं नतीजों से आहत जरूर हूँ लेकिन अचंभित नहीं। कांग्रेस पार्टी #राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। यह कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की शिकस्त है। गहलोत के चेहरे पर उनकी फ्री हैंड देखकर उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनके मुताबिक प्रत्येक सीट पर वे स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। न उनका अनुभव चला, न जादू, और हर बार की तरह कांग्रेस को उनकी योजनाओं के सहारे जीत नहीं मिली और न ही अथाह पिंक प्रचार काम आया। तीसरी बार लगातार सीएम रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। आज तक पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया है लेकिन कभी अपने रहते पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए गहलोत। आलाकमान के साथ फरेब, ऊपर सही फीडबैक न पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक न बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहकर आत्ममुग्धता से लगातार गलत निर्णय और आपाधापी में फैसले लिए जाते रहना, तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपनी पसंदीदा प्रत्याशियों को उनके स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद। आज के ये नतीजे तय थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को यह पहले बता चुका था, कई बार आगाह कर चुका था लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। मैं 6 महीने लगातार घूम घूम कर राजस्थान के कस्बों, गांवों, ढाणियों में गया, लोगों से मिला, हजारों युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए, लगभग 127 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट सीएम को ला कर दी, जमीनी हकीकत को बिना लाग लपेट सामने रखा ताकि समय पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए फैसले किए जा सके जिसमें पार्टी की वापसी सुनिश्चित हो। मैंने खुद ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, पहले बीकानेर से, फिर सीएम के कहने पर भीलवाड़ा से, जिस सीट को हम 20 साल से हार रहे थे लेकिन ये नया प्रयोग नहीं कर पाए। और बीडी कल्ला जी के लिए मैंने 6 महीने पहले बता दिया था कि वे 20,000 से ज्यादा मत से चुनाव हारेंगे और वही हुआ। अशोक गहलोत जी के पार्ट पर इस तरह फैसले लिए गए कि विकल्प तैयार ही नहीं हो पाए। 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी जब आलाकमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई और उसी दिन से शुरू हो गया था यह खेल। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते हैं खास खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।